उस गांव को तो उन्होंने खाली कर दिया, घरों पर ताले लगा के वो जम्मू चले गए। वो इसमें अकेले नहीं है, कई सारे ऐसे सरकारी मुलाजिम भी हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज के तहत यहाँ वो वापस आए, उनको यहाँ बसाने की कोशिश की गई, लेकिन हालात इस हद तक ख़राब हो गए कि वो मजबूर हो गए यहाँ से वापस जम्मू चले गए। ये बड़ी अफसोस की बात है, और इससे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि यहाँ की जो मौजूदा हुकूमत है वो इसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते। वो इसी नशे में हैं कि जी टूरिस्ट आ रहे हैं, जैसे कि टूरिस्ट सारा कुछ है, झूठ पे झूठ बताया जाता है जनाब, इतने करोड़ टूरिस्ट आए, जहाँ के हमें पता है कि आप यात्रियों को भी टूरिस्ट के नंबर में गिन रहे हो, उतने ही टूरिस्ट आए जितने पहले आए होंगे, 15 लाख 18 लाख उसके दरमियान होंगे, उससे ज़्यादा एक टूरिस्ट भी नहीं, लेकिन सिर्फ टूरिज़्म टूरिज़्म करके इनको लगता है कि यहाँ हालात नॉर्मल हैं। अगर यहाँ हालात वाकई नॉर्मल हैं तो ये लोग मजबूर होकर चले क्यों गए? और उसके बाद फिर मीडिया को झूठ बताना, मुझे ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि हुकूमत के कुछ अफसर जो हैं वो मीडिया को बुला के कहते हैं यार ये लोग निकल गए क्योंकि सर्दियाँ हैं। अब 30 साल में इन लोगों को सर्दी नहीं लगी, क्या अचानक इनको सर्दी लगी? चिले कलान तो शुरू नहीं हुआ और यहाँ ये लोग सर्दी की बात कर रहे हैं। अब जब तक मौजूदा हुकूमत पहले इस बात को कबूल करें कि यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक मसला है, उस मसले को हल करना है, यहाँ के नौजवान कुछ जो है वो नाराज़ हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, लाइए हम भी मदद करेंगे। हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने हमेशा यहाँ पर साजगार माहौल बनाने की कोशिश की, आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा काम इसमें हुकूमत को करना होगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये अफसोस की बात है, नहीं होना चाहिए इस तरह के हालात, कभी होने नहीं चाहिए, और हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि सब यहाँ मिल के रहें। मौजूदा हुकूमत को इसमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, लेकिन सबसे पहले तो उनको ये मानना होगा कि हालात उस तरह नहीं है, नॉर्मल नहीं है जिस तरह वो बताते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कोई मसला नहीं रहेगा। अगर मसला नहीं रहेगा तो फिर ये पोस्टर क्यों लग रहे हैं? कुछ ना कुछ तो है ना इसके पीछे, हमने कहीं से नहीं सुना कि इलेक्शन आने वाले।